एक और बड़ी खबर, हम यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात कर रहे हैं और इस पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि किसी टाई सूट वाले से यूपी सरकार एमओयू कर लेगी। आज ही शुरुआत हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत की। इन्वेस्टर समिट में बहुत सिंपल है, आप टाई लगाइए, सूट पहन के एमओयू कर लीजिए। इन्वेस्टर समिट में बहुत सिंपल है, आप टाई लगाइए, सूट पहन के एमओयू कर लीजिए। इन्वेस्टर समिट में बहुत सिंपल है, आप टाई लगाइए, सूट पहन के एमओयू कर लीजिए। इन्वेस्टर समिट में बहुत सिंपल है, आप टाई लगाइए, सूट पहन के एमओयू कर लीजिए। और यूपी में अपनी जमीन और मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव ताबड़तोड़ दौरे भी कर रहे हैं। कल बलिया गाजीपुर उन्होंने पहुंचे और हुंकार भरी और साफ ऐलान कर दिया कि 24 में अकेले चुनाव लड़ेंगे, कोई नया प्रयोग नहीं करेंगे। इस दौरान उन्होंने रामचरितमानसवाद और हिंदू मुद्दे पर भी खुलकर बोला। सुनिए क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने। समाजवादी पार्टी क्या लड़ेगी? समाजवादी पार्टी जाति जनगणना पे लड़ेगी। लड़ाई बड़ी है, 5000 साल पुरानी है। कुल्हाड़ी में तभी पेड़ कटेगा ना जब उसमें लकड़ी पेड़ की लगी होगी। तो ये सब वो लोग हैं जिन्होंने किसी को न्याय नहीं दिलाना है। रामचरितमानस को लेकर के या धर्म को लेकर, भगवान को लेकर के, मैंने कई बार कहा कि हम समाजवादी लोग हर भगवान को मानते हैं, भगवान विष्णु के सभी अवतारों को मानते हैं और जितने भी ग्रंथ हैं उन सबको मानते हैं, लेकिन जो गलत है वो गलत है। इसलिए जानबूझ करके खुद जवाब नहीं देना चाहते मुख्यमंत्री, इसलिए दो असिस्टेंट उन्होंने मंत्री रखे हुए हैं, असिस्टेंट मंत्री हैं ये, उप मुख्यमंत्री क्या होता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।